छतरपुर जिले के लवकुश नगर में कोरोना महामारी के चलते माइसम सीमेंट डीलर के तत्वावधान में अन्नम योजना अंतर्गत 45 गरीब मजदूर निराश्रितों को जेलर अनिल पाठक के मुख्य आतिथ्य में राशन सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें प्रति बोरी में राशन सामग्री के रूप में आटा, दाल, चावल, रिफाइंड शक्कर, नमक, साबुन, हल्दी, धनिया और मिर्ची आदि शामिल थी। बीती शाम 4 बजे अनसुईया मैरिज गार्डन में प्रशासन के निर्देशों का पालन कर अन्नम योजना का आयोजन किया गया, जिसमें लवकुशनगर जेलर अनिल पाठक, मंडल अध्यक्ष बछौन लखन अवस्थी, डीलर मनीष सोनी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। माइसम द्वारा चलाई जाने वाली अन्नम योजना के तहत राशन वितरण का कार्यक्रम किया है। इस राशन वितरण में जो राशन की किट है, इसमें माइसम सीमेंट कंपनी के द्वारा जरूरतमंद, निर्धन, गरीब या जिनके बेरोजगार हो गए हैं, जिनके रोजगार चले गए हैं, काम नहीं लगे हैं, उनके लिए राशन किट में दाल, चावल, हल्दी, धनिया, मिर्ची, चाय पत्ती, शक्कर, साबुन, तेल। हमारा प्रयास है इस अन्नम योजना के तहत उन जरूरतमंद लोगों की रसोई चला पाएं। इस अन्नम योजना को चलाने के लिए कंपनी ने ये एक स्कीम के तौर पे चलाया है कि माइसम सीमेंट की बिकने वाली हर एक बोरी में से 1 रुपए का योगदान निकाल करके इस योजना के फंड में जमा करेगी और वो फंड वापस से समाज में, बाजारों में आकर के इन जरूरतमंद लोगों को राशन किट के तौर पे वितरण करके खर्च किया जाएगा।